दरअसल हमारे घर में एक कबाड़ी टाइप का आदमी आया था जिसकी शक्ल जो है वो हूबहू भभूति जी से मिलती जुलती थी। अरे यार जो कौन बदतमीज जो घर के पिछवाड़े आके हमारी बार बार लुंगी चुरा के ले जा रहा हूँ। चिढ़ता है मुझसे। क्यों चिढ़ते? क्योंकि मैं धंधा करता हूँ ना कबाड़ का, इसलिए चिढ़ता है। इसका मतलब डार्लिंग ही विभूति नारायण मिश्रा है। हम आपकी बदनाम गली की चौखट पे कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे लड्डू का भैया बैठेंगे इस पे, सुबह टूट जाएगा। उसे स्प्रिंग है ना, उनके इम्पोर्टेंट पार्ट में घुस जाएगा। क्यों बे कबाड़ी के बच्चे, अबे तू फिर आ गया? तुम्हारे दुम में हमेशा आग क्यों लगी रहती है? तूने ला रखी है। सुनिए लड्डू के भैया, वो डार्लिंग बोल रहे हैं कि हमारे ये जो सोफे है ना बहुत पुराने हो गए हैं, तो हम इनको बेच देते हैं। ऐसा है कि हम भी बहुत पुराने हो गए हैं, हमें काहे नहीं बेच देती इस कबाड़ी को? 50 रुपए दूंगा इसका। 50 रुपए और भाग यहां से, समझा? चला आता हमारी भोली भाली बीवी को बेवकूफ बनाने। पहले लैपटॉप ले गया, फिर टीवी ले गया, अब ये सोफा लेने आ गया तू। सुनिए लड्डू के भैया। अरे तुम चुप रहो। तेरे खानदान का हमने क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारी ऐसी की तैसी करने तुला हुआ है? अरे को भभूति जी, उन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है, साला तू कहां से पैदा हो गया? और कभी बताना यार। अच्छा भाभी जी, अभी तो जा रहा हूं। I love you. I miss you, जानू। घर का पुराना एसी, पुराना पंखा है डेडू। Darling. आओ ना, इधर आओ। अरे यार ये अनु खाम खां चेप हो रही है यार, पीछे पड़ गई हाथ धो के। घर में आओ। आओ घर के अंदर आओ डार्लिंग। एक्चुअली डार्लिंग, तुम्हारे ना भैया आज घर पर नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली। तुम अकेली तो मैं क्या करूं, मैं चल जाऊं, टाइम ही हो रहा धंधे का मेरे। डार्लिंग रुको ना, इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे ना एक्चुअली तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? देखो ना डार्लिंग, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भैया किसी काम के नहीं है। ये क्या बोल रही भाभी, भैया किसी काम के ना है? कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे भैया काम नहीं करते ना। मैं तो उन्हें कह कह कर थक गई हूँ, काम करो काम करो, लेकिन विभू के कान पे चू तक नहीं रहती, इसलिए मैंने एक फैसला ले लिया है। क्या फैसला ले लिया? उसे डिवोर्स देने का। भाभी क्या बात कर रही हो, भैया तो कितने अच्छे हैं, ऐसा आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा जिंदगी में, पहले बोल रहा हूँ। मिल गया है ना मुझे एक, मिल गया। कौन मिल गया? तुम मिल गए। तुम अपने भैया से कहीं ज्यादा हैंडसम हो, हैंडसम डार्लिंग। ओह माय गॉड, अनु अपने हस्बैंड को छोड़ के उसके भाई के साथ शादी करना चाहती है? मतलब कि अनु उससे प्यार नहीं करती? ओह गॉड, मुझे अनु से ऐसी उम्मीद नहीं थी, ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। डार्लिंग कहाँ खो गए? नहीं मैं ये सोच रहा हूँ, भैया तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम धोखा दे रही हो उनको। देखो डार्लिंग, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही है, और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि विभू मेरे लिए सही नहीं है। और देखो ना, मैं और तुम कितना एंजॉय कर सकते हैं। डार्लिंग अभी तो मुझे ग्रूमिंग क्लासेस जाना है, लेकिन तुम्हारे भैया रात को 9 बजे आएंगे, तुम 8 बजे घर आ जाओ ना, खूब मजे करेंगे, और घर तो बहुत सेफ है ना। डार्लिंग आओगे ना? आ जाऊंगा, चल लिया हूँ, आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। हाँ डार्लिंग। Bye, see you.
जरूर आऊंगा और भी जरूर आऊंगा ये जानने के लिए कि अनु मेरे भाई के साथ किस हद तक जाती है। गॉड, सब कुछ बिखर गया एक मिनट में। घर के पुराने भाभी माँ कितना श्रृंगार करोगी, स्कूल भी तो जाना है, देर हो रही है और जन्माष्टमी का फंक्शन खत्म हो जाएगा उधर। अरे हो गया ना, अब तुमको किसी की नजर ना लगे, एकदम काना लग रहे हो हमरे। भाभी माँ मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए जो लड्डू बनाए थे वो तैयार है ना? हाँ हाँ सब कुछ तैयार है, जाओ जाकर ले लो और फिर जल्दी जाओ। जाओ, थैंक यू भाभी माँ। हाँ हाँ दिया, हम तो लड्डू को बोलना ही भूल गए कि अपने दोस्तों को लड्डू खिलाने से पहले अनीति किशन जी को भोग लगा दे। हाय दिया, असुनो लड्डू, असुनो लड्डू, असुनो लड्डू। हाय दिया, हाय दिया, हाय दिया लड्डू, लड्डू तुम अपनी जान बचा लिए। हाँ भाभी माँ, वैसे भाभी माँ मैं लड्डू लेना भूल गया हूँ। चलो चलो हमारी जान बचाकर तुम तो चमत्कार ही कर दिए लड्डू आज। चमत्कार करना है तो हमारा काम है। क्या बोले? लड्डू कहाँ है? हाँ ये रहे, ये लो और अच्छे से भोग लगाना। हाँ अब इतनी प्यार से बुलाए हैं तो जरूर भोग लगाएंगे। हे प्रभु, हमरे लड्डू को माफ कर देना, हाँ वो तो छोटा बच्चा है। भाभी माँ, हम लड्डू का डब्बा लेना तो भूल ही गए। ये क्या बोल रहे हो लड्डू, अभी अभी तो तुम डब्बा लेकर भाग गए थे। क्या बात कर रही है भाभी माँ, हम तो अभी आ रहे हैं। देखो लड्डू, तुम झूठ काहे बोल रहे हो? देखो तुम हमारी जान बचाए थे, हम ऊपर बालकनी से फिसले थे और फिर तुम हमको नीचे पकड़ लिए। क्या बात कर रही है भाभी माँ, हम आपकी कसम खा के कहते हैं हम तो अभी आ रहे हैं। लड्डू हमारी छोटी कसम ना ही खा सकता है, इसका मत बोल। लाइए भाभी माँ लड्डू दीजिए, भोग चढ़ाना है। लड्डू, लड्डू भोग तो लग चुका है, जिनके लिए लड्डू बने थे वो खुद आकर लेकर चले गए। हे कान्हा, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज मैं भी देखता हूँ कि बेवफा औरत कितनी हदें लांघती है। भाभी मैं आ गई। माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, कितने अच्छे वक्त आए। देखो ना कितना कम वक्त है, आओ ना मेरे पास आओ, मुझे अपने सीने में भर लो। मेरी हमेशा से ही ख्वाहिश थी और सपना था आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। Yeah.
भगवान, भाभी जी इस कबाड़ी के साथ ये दृश्य हम नहीं देख पाएंगे। ये दृश्य देखने से पहले हम अंधे क्यों ना हो गए। ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि जिंदगी भर मुझे बेवकूफ बनाने की नहीं सोचेगा। कन्फर्म कर लीजिए। हाय, मैं मर जावा, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। ख्वाब नहीं है गुलफाम के लीजिए, हकीकत है। ख्वाब तो हम देख रहे थे जो अभी अभी चकनाचूर हुआ है। ख्वाब तो होते ही टूटने के लिए हैं हुजूर। ख्वाब के साथ साथ हमारा तो दिल भी टूटा है। फटे हुए टूटे हुए दिल की मरम्मत करना, उसे रफू करना हमारा पेशा है हुजूर। इसीलिए तो अपने टूटे हुए दिल को रफू करवाने आपके पास आए हैं गुलफाम कली जी। अब बातों में वक्त जाया ना करें। हमारे दिल में दर्द है, इस दर्द पे अपने प्रोग्राम का मलहम कर दे। अभी लीजिए। ये इश्क भी कमबख्त बड़ी कमीनी चीज होती है। ऐसी ऐसी गलियों से गुजरवा दिया कि कभी सपने में भी ना सोचा था। लेकिन अब डर यही है कि हमें इस हालत में यहाँ से कोई आता हुआ देख ना ले। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं किन रंग रलियों में, उनको भी छुप छुप देखा है। आते जाते इन गलियों में, ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। क्या है बेलोंडो भैया, हमको तो आप ताने देते थे कि हम क्यों इन गलियों में आते जाते रहते थे। और भैया जी, आज उन्हीं लोगों को ना हम इन गलियों से आते जाते देख रहे। क्या है ना, उस रास्ते पे थोड़ा जाम हो गया था तो हमने सोचा कि चलो इस गली से गुजर जाते हैं। क्या है कि यहाँ से थोड़ा हमारा घर भी पास पड़ता है ना लोंडो, थोड़ा समझा करो। भैया जी ऐसो है, यहाँ शहर के ना हम छठे हुए लफंगे आ रहे, हमें लपेटने की कोशिश मत ना करो तुम। अरे यार, कौन किसको लपेट रहा है भाई? भैया आप जो लपेट रहे हो ना, हम अच्छी तरह जानते हैं। अभी गुलफाम कली के साथ अपनी आंखों से हमने आपको जो झूमते बहु देखो ना, तो पूरा किस्सो समझ में आ गो। क्या चाहिए, क्या चाहिए? भैया जी बात जे है रही कि 3 दिन से ना हमें पीने को ना मिलो है और ना खाने को मिलो है, बस कुत्ता फजीती है रही हमारी। अरे तो सीधे सीधे बोलो ना यार, तुमको पैसे चाहिए। तो भैया जी ऐसे ही समझ लो, अगर नहीं दिए तो मैं तो भैया सीधे एक फोन जाओ अंगूरी भाभी के पास में, सारो किस्सो समझ में आ जाओ आपको। यार ये लो पकड़ो लो पंगे, हमारा घर माहौल खराब कर रखा है।
अच्छा सुन, आ गया है, कुछ बात बात करते हैं। अरे विभूति, आई मीन विपु, आ गए तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। कितनी खूबसूरती से झूठ बोल लेती हो कि कब से मेरा इंतजार कर रही थी तुम। हाँ मैं झूठ बोल रही थी, ऐसा क्यों कहा तुमने? ऐसा तुम कैसे कह सकते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने अंदाजा लगाया। तुमने अंदाजा गलत लगाया, और तुमने ये अंदाजा लगाया, तुम्हें पता है मुझे कितना हॉट हुआ? कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। लगती भर भी नहीं करती हो क्या? मैंने कहा बताओ कितना प्यार करती हूँ मुझसे? जितना सागर में पानी है उतना प्यार है मेरे दिल में। किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? इस कबाड़ी के लिए, मेरे लिए थोड़ी है। अरे तुम्हारे होंठ क्यों फड़फड़ा रहे? मेरे होंठ नहीं फड़फड़ा रहे, मेरा दिल फड़फड़ा रहा है। क्यों फड़फड़ा रहा है तुम्हारा दिल? जानना चाहती हो कि मेरा दिल क्यों फड़फड़ा रहा है? बताओ ना। किसी अपने ने फरेब के खंजर से मेरे दिल को चीर के रख दिया है। ओ, किसी अपने ने, मतलब गुलफाम कली ने? गुलफाम कली कब से मेरी अपनी हो गई? ओ, मुझे लगा शायद तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो। नहीं, मैं अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ। ओ दोस्त, यू मीन प्रेम? प्रेम ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया? खुद कत्ल करते हैं और पूछते हैं कि कातिल कौन है। अरे किसने किसका कत्ल कर दिया? किसी ने किसी के विश्वास का कत्ल कर दिया, किसी ने किसी की चाहत का कत्ल कर दिया, किसी ने किसी के एहसास का कत्ल कर दिया। देखो विभूति, I mean, विभु, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? जाने दो, सो जाओ डार्लिंग। क्या कहा, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे डार्लिंग कहा? ओ माय गॉड, वो तुम्हें पता नहीं है कि ये मुझे कितना पसंद है सुनना, डार्लिंग। एक बार फिर से कहो ना विभूति, आई मीन विभु, फिर से कहो ना डार्लिंग। डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग। वाओ, डार्लिंग, 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 कितना अच्छा लगता है सुनने में। आई लव दिस वर्ड डार्लिंग। अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि इस कबाड़ी का नाम डार्लिंग। हाश, मुझे अपने आप से जलन हो रही है। कर रहा कि डार्लिंग की लंगी उतार के बेल्ट से इतना सूतू कि वो भी जिंदगी भर याद रखे। विभु, आज ना तुम अपना नाइट सूट मत पहनना, ये लुंगी पहन लो ना। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मुझे लुंगी बहुत अच्छी लगती है।